हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास में एक ऑडियो किट। इसके अंदर हमें माइक लगाने का ऑप्शन है, इसमें मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन है, इसमें AUX का ऑप्शन है और इसमें 5 वोल्ट चार्ज। इससे इसकी बैटरी लगती है ना, इसके अंदर वो चार्ज होगी। और ये ऑन ऑफ का स्विच है, वही IR सेंसर है। हम आपको इस वीडियो में इसको चला के दिखाएंगे। यह है बैटरी, यह दो स्पीकर, स्पीकर को हम इसमें पीछे दी हुई वायरिंग के हिसाब से लगा लेंगे। SP SP2। स्पीकर की वायरिंग हमने कर ली है, अब इस बैटरी की वायरिंग करनी है हमें। बैटरी का हमें पीछे दिया हुआ है कनेक्टर, B+ और B- में हम लगा लेंगे इसको। ब्लूटूथ मोड, ये ऑन हो गया है, स्विच ऑन था। ये ऑन और ऑफ का स्विच है इसमें। सबसे पहले हम इसे मेमोरी कार्ड से टेस्ट करेंगे। प्ले बाय TF कार्ड। हम इसमें MP3 सॉन्ग नहीं बजा सकते हैं क्योंकि कौन कॉपीराइट सॉन्ग के लिए ऐड आ जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। इसलिए हम इसमें आपको टोन सुना के दिखा, इसमें हम इसे मोड लगा के दिखाएंगे। इसमें हमने यूज कर दिया, इसे वापस कर देंगे, सॉन्ग चेंज करके देंगे। स्लो काम करता थोड़ा सा इसका रिमोट। सुनो, घर जल्दी वापस आ जाना, यू नो ना हाउ। अब इसमें से कॉल निकाल लेंगे मुझे। AUX मोड, AUX मोड पे चला गया ये। अब हम इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके देखिए। हम इसे ब्लूटूथ मोड पे लेंगे, ब्लूटूथ मोड। इसमें हम सर्च करेंगे मोबाइल में, कनेक्ट हो गया है। इसमें बहुत अच्छा साउंड आ रहा है। इसको हम बॉक्स में फिट करने के बाद इतना अच्छा साउंड आएगा जितनी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हम। इसको हम चार्ज लगा के देंगे, इसे हम बंद कर देंगे पहले। ये रहा चार्ज का मोड, इसे चार्ज लगा दिया। इसमें इंडिकेटर हमें ग्लो हो रहा है, दिख रहा है आपको। इसमें हम FM भी चला के दिखाएंगे आपको। छत पे ले जाते हैं इसको, यहाँ पे नहीं पकड़ेगा, छत पे ले जाके चला के दिखाएंगे। हम इसे मोबाइल को साइड में रख देंगे, इसको हम अलग करेंगे यहाँ से, एंटीना को निकालेंगे और हम इसमें FM के एंटीना को सोल्डरिंग करेंगे वायर को, जिससे हम MPEG चला सके। चलो तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं, छत पे चलते हैं। हम ले आए हैं इसे छत पर,
कम आ रही है।